अब ये जो डिजिटल करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी जिसको कहते हैं, तो इनके हवाले से हमारे उलमा का यही कहना है कि फिलहाल तो इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है, लिहाजा इससे दूर रहा जाए। अब जब शरीयत और अलमाए शरीयत की तरफ से बचने का हुक्म दिया गया तो उससे दूर रहे, ताकि अलमाए शरीयत में जो शरीयत का मसला बयान किया उसके मुताबिक अमल हो सके। म्यूचुअल फंड असल में ये होता है आमतौर पर कि म्यूचुअल फंड में जो कंपनियां उससे रिलेटेड होती है, जो कंपनियां उससे मुतालिक और मुस्तरिक होती है, तो वो अपने पैसे शेयर बाजार में आमतौर पर इन्वेस्ट करते हैं और शेयर बाजार में वो कई कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं। तो शेयर बाजार के हवाले से वैसे तो हमारे उलमा का यही मौकिफ रहा है, 15-20 साल पहले इसके हवाले से सेमिनार हो चुका है कि इसकी इजाजत नहीं है। उस दौर में जो इसकी कंडीशन पाई जाती थी इसके एतबार से अभी के हालात को देखते हुए अगर कुछ शर्तों की पाबंदी की जाए तो इसकी इजाजत मिल सकती है, लेकिन फिर भी ये मामला ऐसा है कि उमूमी तौर पर इसको बयान करना मुनासिब भी नहीं है और हर कोई इसको समझ भी नहीं पाएगा, लिहाजा वो शर्तें क्या है इसके हवाले से, हुक्म शरह क्या है, मामला क्या है, वो तमाम तफसील अगर कोई रूबरू आता है या पर्सनली तौर पर कॉन्टेक्ट करता है तो उसको अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है, क्योंकि पेचीदा बातें हैं, न समझ में आएंगी न भी उसके हवाले से जो हुक्म शरह है वो वाज़े हो पाएगा, लिहाजा मैं नासिब नहीं समझ रहा कि इस महफिल में उसका जिक्र किया जाए।